हेलो फ्रेंड, इंटिटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश बोलना या लिखना बहुत ही आसान होता है। हम लोग बहुत सारे टेंस के बारे में सोचते रहते हैं कि ये टेंस कैसे होगा, कैसे लिखे, क्या करें। तो इसके हिसाब से मैंने एक अच्छा से वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें टेंस सीखने के लिए कोई भी ग्रामर जानना ज़रूरी नहीं है, बस हमें सेंटेंस बनाने के लिए मीनिंग आना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग टेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए मैं इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चाहिए, चाहिए का इंग्लिश हमें पता होना चाहिए। तो चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, ठीक है। अब देखिए मुझे को आई कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें लास्ट में चला जाना पड़ेगा। चाहिए लास्ट से चलते हुए आगे आइए। तो चाहिए का स्पेलिंग मैंने बताया था आपको, शुड होता है, ठीक है। बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, द अंग्रेजी, द इंग्लिश। देखिए तो हम लोगों का मेन काम क्या है, इसमें हमें ये बताना है कि अगर कोई भी वाक्य हो उसमें एक वर्ब हो तो मेरा ये फार्मूला 95% टेंस को बना देगा। इस फार्मूले के जरिए हम 95% टेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बड़ा सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ कि उसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, मुझे, मुझे को क्या कहा जाता है, आई। सबसे पहले एक नंबर पीछे रख दिया मैंने, ठीक है। अब सबसे लास्ट में चले जाइए, लास्ट से सामने की तरफ बढ़ते रहिए। देखिए मैंने एरो बना दिया है, आप इस एरो का पालन करते हुए आप इजी वे से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आई लिख दिया, सबसे पहले मुझे को मैंने आई लिख दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, पीछे चला जाना है। पीछे क्या है, चाहिए, चाहिए मीन्स शुड, ठीक है। उसके बाद बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कर मतलब टू, टू, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुस्कुरा कर, तो स्माइल, स्माइल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पर, पर मीन्स होता है एट, एट, ठीक है। उसके बाद घर, होम, और रोज तब डेली, डेली। तो क्या हुआ, आई शुड स्पीक इंग्लिश टू स्माइल एट होम डेली, ठीक है। उसी तरह अब आपको लग रहा होगा कि मैंने जो आपको बताया है वो केवल शुड पे ही काम करता है, तो नहीं, तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो शुड पे ही नहीं बल्कि 95% टेंस इसी के जरिए बनता है। अब मैं आपको दूसरे मतलब इनके हिसाब से बता सकता हूँ। देखिए यहाँ हूँ, क्या दिया हुआ है, सकता हूँ, सकता हूँ जो होता है उसका स्पेल मतलब हम लोग इंग्लिश में कैन, कैन, सकता हूँ, सकते हैं, इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो मेरा फार्मूला वही होगा, बस मैंने आपको बता दिया। देखिए मुझे हर चीज़ का, सबसे पहले मैं को आई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सकता हूँ का स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया, कैन कहते हैं इसका मीनिंग कैन होता है, खेल को प्ले कहते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं, यहाँ पर हेयर होता है, और रोज का डेली होता है। तो क्या हुआ, आई कैन प्ले फुटबॉल हेयर डेली। देखिए कितना आसानी से ये बन गया, कितना बहुत ही आसानी के साथ ये बन जा रहा है। आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बस कॉपी कलम उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तुम कभी कभी, तुम का स्पेलिंग, तुम का मीनिंग होता है यू,
कभी कभी का समटाइम्स, स्कूल मीन्स स्कूल, में मीन्स इन, हिंदी मीन्स हिंदी, पढ़ा मतलब टीच, सकते हो यानी कैन। तो चलिए बता देता हूँ इसका मतलब कैन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको एरो के जरिए आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमें किसका लिखना है। तो सबसे पहले हमें यू लिख देते हैं, ये सबसे पहला होगा, उसके बाद लास्ट में चले जाते हैं यू कैन। उसके बाद टीच मीन्स होता है पढ़ाना, हिंदी, हिंदी को हिंदी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं को इन कहते हैं, और स्कूल को द स्कूल कहते हैं, और कभी कभी को समटाइम्स कहते हैं। देखिए दोस्तों कितना इजी होता है इंग्लिश बनाना, आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं आपको बस थोड़ा सेंटेंस दिखा हूँ, आप इसे अपने घर पे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ 95% टेंस आपका इसी के जरिए बन जाएगा। बचा 5% तो मैं उसको दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन 95% टेंस इसी के सारे बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काम का कारगर साबित होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक के बटन से अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर।